हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं मूंग दाल की पराठा की रेसिपी, जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। इसके लिए हमने आधा कटोरी दाल को भिगो दिया था 4 से 5 घंटे, अच्छे से वॉश करके ले लिया है। 1 कटोरी आटा लिया है हमने, और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं। आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ लिया है। अब हमने 1 चम्मच हींग लिया है, और ये शिमला मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये प्याज और हरी मिर्ची को काट लिया है। अब हम मसाले तैयार करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्ची और आधा चम्मच हमने भुना हुआ जीरा लिया। 1 चम्मच नमक लिया, नमक आपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये देखिए, 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है। अब हम एक जार में दाल को डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको मिक्सी को 1 से 2 बार चलाएंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे, गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इसमें तेल डाल दिए हैं, तेल भी हमारा हो गया है। इसमें हमने अपने मसालों को डाल दिया है। ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से चटक रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। अब हम इस टाइम पे प्याज को डालेंगे। गैस को लो ही रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे हम, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या चाहें ना डालें। हम अपनी बेटी को थोड़ा हेल्दी देने के लिए हमने डाला है, उसको इसी फॉर्म में हम सब्ज़ियाँ खिला सकते हैं, वो डायरेक्ट तो कुछ खाती नहीं है, इसीलिए। अगर आप चाहें तो कुछ और सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। इस टाइम पे हम मसाले डालेंगे। मसालों को अच्छे से भूनेंगे, गैस को स्लो ही रखेंगे। और ये हमने 3 चम्मच हमने बेसन लिया है, इसको भी हम डालेंगे अच्छी सी इसमें, ताकि दाल में अच्छी सी बाइंडिंग आए। ये देखिए, अब हम इस टाइम पे हींग डालेंगे। अब ये हमने जो दाल का पेस्ट रखा था, इसको हम डालेंगे और धीरे धीरे चलाकर अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, गैस को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और ऐसे ही भूनेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक दाल हमारी एकदम अलग अलग ना होने लगे। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से भुन रही है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। अब इस टाइम पे हमने आमचूर पाउडर डाल दिया है, दाल हमारी लगभग भुन गई है। ये देखिए, जैसे जैसे ये भुनती जाएगी कढ़ाई को छोड़ेगी। ये देखिए, हम इसको चलाते रहेंगे ऐसे ही कुछ सेकंड्स तक और चलाएंगे, और गैस को हमने लो कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनते हैं, आप नाश्ते में या कहीं लाने ले जाने के लिए सफ़र में भी बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और हेल्दी भी बहुत है, बच्चों के लिए भी। आप जब चाहें तब ट्राई करें। ये देखिए, हमारी दाल भुन गई है, गैस को हमने कर दिया है ऑफ। अब हम दाल को बाहर निकाल लेंगे। अब इधर हम आटे को छान लेंगे। आटे में हमने थोड़ा सा नमक डाला, आधा चम्मच से कम, और अच्छे से मिला दिया है, और 1 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाला है, छोटे चम्मच। अब हम इसको भी अच्छे से मिलाएंगे और आटा हमारा अपना तैयार कर लेंगे, एक डो बना लेंगे। ये देखिए, हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम पराठे की तैयारी करेंगे बनाने के लिए। फिर से हमने गैस को ऑन किया है और गैस पे तवा चढ़ा दिया है, और इधर हम स्लैब को क्लीन कर लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे मीडियम साइज़ की, और इसको हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे और इसको बेलेंगे। फ्रेंड्स, इसको गोल नहीं बेलना है, थोड़े से लंबा बेलना है, चौड़ा और थोड़ा लंबा, और इसमें फिलिंग को हम ऐसे रख देंगे और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए, धीरे से हाथों से प्रेस कर देंगे दोनों तरफ से। ये देखिए, हमने चारों तरफ से एकदम इसको बंद कर दिया है, और इसको आटे को बीच के जो गैप है इसको ऐसे दबा दबा के एक दूसरे में जोड़ देंगे,
और थोड़ा सा आटा लगाकर हल्के हल्के हाथों से पराठे को हम बेलेंगे। चौकोर पराठा बनेगा हमारा, आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब हम इस टाइम पे पराठा हमारा बेल गया है और तवा भी हमारा हो गया, हम तेल लगाएंगे और पराठे को डाल देंगे। गैस को हम मीडियम कर देंगे। ये देखिए, अब हम फिर से पलट देंगे और फिर से तेल लगाएंगे ऐसे ही। ये देखिए पराठा हमारा पक गया है, बस थोड़ा सा और इसको पकाना है। ये देखिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। आप चाय के संग या फिर दही के संग या चटनी के संग किसी भी चीज़ के साथ संग सर्व कर सकते हैं। ये देखिए पराठा हमारा पक गया है और सर्व करने के लिए रेडी है। तो फिर इसको हम काट के दिखाते हैं आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जितना दिखने में अच्छा है, खाने में भी उतना स्वादिष्ट है। तो हम इसको सर्व कर लेते हैं चटनी के संग या दही के संग। तो आप सब ज़रूर पसंद करिएगा, प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने इतना कीमती समय दिया, आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक